चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस तरह की बर्बरता किसानों के साथ कभी नहीं हुई। ये ऐसी पहली सरकार है जिसने किसानों के साथ इतना अन्याय करा। इस सरकार का हम ये चाह मारा कि डांट पिन छूट जा। आने वाले टाइम में इस सरकार को हम कभी सहन नहीं करने का। आने वाले टाइम में ये तो दूर से जब से स्टार्ट हुआ अब तक झूठ झूठ बता रहे, थोड़े थोड़े बताओ जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा बिल्कुल। अगर बीजेपी हारेगी अब के न चाहता योगी महंत भाई, तो हमें संघर्ष करने की जरूरत। हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। जी, मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम कैराना सीट के कस्बा ऊन में हैं। कस्बा ऊन किसान बहुल्य गन्ना किसान बहुल्य क्षेत्र है। आइए हम इन्हीं गन्ना किसानों से बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और उन चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल शुरू हो चुकी है और इसी हलचल के बीच किसान है, किसान के मुद्दे अपने मुद्दे हैं और किसान क्या चाहता है इस चुनाव से, किस तरह वो वोट करने वाला है, किसकी सरकार ला रहे हैं, किसकी हटा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पर बात करते हुए हम किसानों के जो जमीनी जो मुद्दे हैं, उसके कृषि कानून के मुद्दे हैं, उसकी फसल के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात करते हुए हम किसानों के साथ बातचीत करेंगे। कैराना सीट जो है काफ़ी लोगों के नज़रों में रही है, पिछले चुनाव में भी काफ़ी चीज़ें निकल कर आई है सामने। ये गन्ना किसान क्षेत्र है, गन्ना बहुल क्षेत्र है और गन्ना किसान यहाँ अक्सर गन्ना खेती करते हैं बड़े तौर पर। तो आपको क्या लगता है, 2022 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, पिछली जो सरकारें हैं क्या उन लोगों ने किसानों के लिए ये ऐसे काम किए हैं जो किसानों के हक में हो? ऐसा है जी, यहाँ भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। भाजपा किसानों ने सिर्फ किसान का अपमान किया। 25 रुपये गन्ने पर रेट बढ़ा कर 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये प्रति साल पड़ते हैं, वो एक किसानों का अपमान है। तो खाद के दाम पहले से 2 गुने हैं, बिजली के रेट हरियाणा से यहाँ 5 गुने हैं और किसानों की ये बात नहीं करते, सिर्फ कागजों में बात करते हैं, टीवी पे करते हैं, धरातल पे किसानों के लिए कोई काम नहीं करते। आपने कहा कि अभी गन्ना मूल्य बढ़ाया गया है, 25 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया है, क्या ये गन्ना मूल्य जायज है? एक तरफ महंगाई भी है, आप किस तरह देखते हैं इन दोनों चीजों को? ये गन्ना मूल्य बहुत नाजायज है। गन्ने पे कम से कम इन्हें 100 रुपये बढ़ाने चाहिए थे महंगाई को देखते हुए। डीजल का रेट भी 100 रुपये के आसपास है और पेट्रोल का रेट भी 100 रुपये के आसपास है। डीजल किसान के लिए खरीदना बहुत जरूरी है और फसल का जो दाम है वो MSP पे हमारी कोई खरीद नहीं होती और किसान फसल को लेकर धक्के खा रहा है। उन्हें फसल बेचने में भी कहीं हरियाणा जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, कहीं हमें रोक भी दे, हरियाणा में जाने वाले भी प्रशासन रुक रखता है हरियाणा का, तो वहाँ भी हमारा अपमान होता है। इसलिए यह सरकार किसानों की विरोधी है। तो आपको लगता है पिछले 4 सालों में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है? किसानों का कोई विकास नहीं हुआ जी, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। हमें तो इनसे आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि किसान के प्रति इनका कोई रुझान हो जाएगा या ये ध्यान देंगे। अभी एक घटना हुई है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, आपको क्या लगता है किस तरह की बर्बरता साजिश है या किसानों को दबाने की साजिश है, आपको क्या लगता है इसमें? ऐसा है जी, हमारी भी उम्र 65 साल की होली 66 दिन में चलते, इस तरह की बर्बरता किसानों के साथ कभी नहीं हुई। ये ऐसी पहली सरकार है जिसने किसानों के साथ इतना अन्याय करा, गाड़ी के नीचे कुचल कर किसानों को मार दिया गा और उनका अपमान किया गा। जी देवेंद्र जी, ये बताइए, देश में एक तरफ किसान आंदोलन है और एक तरफ अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, किस तरह से किसान इस विधानसभा चुनाव को देख रहा है और
किसान आंदोलन को देखते हुए किस तरह यूपी में क्या होने वाला है चुनाव में? इस सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमारी सरकार सब इतने तंग हो चुके, कभी जो हमारे बड़े दादा परदादा थे कभी उनसे भी हमने नहीं सुना था। और कितनी खराब सरकार आई इस सरकार से, हम ये चाह हमारा कि डांट पिन छूट जा आने वाले टाइम में। इस सरकार को हम कभी सहन नहीं करने का आने वाले टाइम में। तो अभी क्या चाहते हैं आप, आगे किस तरह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को? उत्तर प्रदेश चुनाव को देख रहे हैं, सरकार बदलनी चाहिए, इरादा भी है बदलने का। वोट की चोट सब बदलेंगे, वो तो बदल जाती है। और रही बात इनके कथनी करने में कितना अंतर है, प्रधानमंत्री सहारनपुर भी आया था और मेरठ भी आया था विधानसभा के इलेक्शन में। ये वादा कर गया था जनता से, देखो और छोटो मोटा कोई करे उसकी तो बात अलग है, एक घर का मुखिया पार्टी का मुखिया वो भी इतने झूठ बोल रहे। उसने ये वादा किया था अगर हमारी सरकार आती है तो 400 रुपये रेट करेंगे और 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं होया तो उसका ब्याज सहित भुगतान होगा। रिजल्ट आप लोगों के सबके सामने, कौन ब्याज दे रहा, ब्याज के ये पहले साल के भी दिए, इनके साल के आगे दिए। और एक का कभी पर्ची आवे किसी का दूसरी तो उधार ले ले जिसमें उसे दे दे, बच्चों की फीस भरे इसमें, अगर अपने घर में कुछ राशन ले गए खाने पीने का ले आवे, किसी किसका कुछ नहीं पूरा पड़ता। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप किसानों का गन्ना पेमेंट करिए, ये हमारे ऊपर तो दबाव कह रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश आया गया ये कर लो वो कर लो, अपनी हाई कोर्ट की कहते भी नहीं, कौन सी मांग है हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट का आदेश नहीं, आप ब्याज सुधा पैसा दो, कौन सी ना मैंने बताओ, एक ने नहीं मान दिया बात भाई, इनको ब्याज भी चाहिए। देश में किसान आंदोलन है और कुछ लोगों का जो सरकार के पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये एक तरह से एक जातीय आंदोलन हो गया है, जाट समाज आंदोलन हो गया, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये तो देखो जब पंजाब में विरोध रहा था 3 कानून का, तो ये कहते हैं उन्होंने थोड़ा विरोध करा, थोड़ा शुरू करा कि थोड़े से पंजाब वाले हैं इनसे कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं है थोड़े बहुत है। उसके बाद हरियाणा वाले इनके साथ लग लिए, हरियाणा वालों को ये बोल ले कहने लगा ये तो थोड़े हरियाणा के मिल गए। जब यूपी वाले जाके बैठ गए बॉर्डर पे कहने लगा थोड़क से ये बैठ गए यूपी वाले बैठ गए थोड़क से, ये तो दूर से जब से स्टार्ट हुआ अब तक झूठ झूठ बता रहे, थोड़े थोड़े बताओ जाएंगे इनका नाश हो जाएगा बिल्कुल, ये थोड़े कहते नहीं रह सकते। बीजेपी ने हमारे किसानों के लिए कितने अच्छे अच्छे काम करे वो इस रागणी के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करता हूं। अगर बीजेपी हारेगी अब के न चाहता योगी मेहनत भाई, मजदूर किसान सब यही पुकारे अब के चौधरी जयंत भाई। अरे बीजेपी हारेगी अब के न चाहता योगी मेहनत भाई, मजदूर किसान सब यही पुकारे अब के चौधरी जयंत भाई। अरे नोटबंदी करे बीजेपी ने सभी लेन में लाए रे, खाद तेल बिजली गैस पे ये रोज दाम बढ़ाए रे। अरे कहीं लाठी कहीं गाड़ी ते किसान घने मरवाए रे, सीट की खतर ये हिंदू मुस्लिम सैनिक शहीद कराए रे, स्कूल बंद कराए रे ना चल लेने 12th भाई, मजदूर किसान सब यही पुकारे अब के चौधरी जयंत भाई। अरे बीजेपी हारेगी अब के न चाहता योगी मेहनत भाई, मजदूर किसान सब यही पुकारे अब के चौधरी जयंत भाई।